सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यूज बॉय। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे यूट्यूब कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इससे पहले कि मैं न्यूज स्टार्ट करूं, मैं कुछ बताना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए बिग शाउट आउट टू साहि व्लॉग्स फॉर ज्वाइनिंग एंड बिकमिंग माई चैनल मेंबर। वंस अगेन साहि व्लॉग्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड बिकमिंग माई चैनल मेंबर। अब अगले 7 दिन तक मैं आपको शाउट आउट देता ही रहूंगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, अभी सिर्फ 1200 सब्सक्राइबर्स चाहिए 40,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। तो यार, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइए, क्योंकि मेरा 9th मार्च को जो है 1 साल होगा चैनल बनाया हुआ। सो मैं चाहता हूं कि यार 1 साल के अंदर अंदर मेरे 40,000 सब्सक्राइबर्स हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से। तो मैं बात करने वाला हूं शर्मा जी टेक्निकल के बारे में। तो शर्मा जी टेक्निकल जो है कल स्विगी वालों से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। जी हां, एंड वो इससे रिलेटेड एक वीडियो भी पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम में। आप उनका वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा शर्मा जी टेक्निकल क्यों गुस्से में थे। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रवाल है, आप जानते हैं, शर्मा जी टेक्निकल को जानते हैं। ये वीडियो मैं स्विगी वालों के लिए खास तौर पे बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ना स्विगी से परेशान हो चुका हूँ। एक तो इतना घटिया खाना बेचते हैं, ऊपर से इनके कस्टमर केयर वाले ऐसे ऐसे बोलते हैं, मतलब मैं गाने देने का मन करता है, लेकिन आपको पता है कि मैं बिल्कुल भी गाने देने विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ कि मैंने जो है खाना मंगाया था, दाल 2 तरह की, और ऐसी घटिया दाल है, ओए कितना से मंगाई है कि खोलते ही नाक में चढ़ गई। तो अब इसका मैं क्या करूंगा, इसका मैं करूंगा ये, क्योंकि खाने लायक तो कुछ है नहीं इसमें, तो मुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि रिफंड इनसे दिया नहीं जाता है, सर्विस सपोर्ट इनका जो है वो घटिया हो गया है। तो ये हालत हो गई है इनकी, तो अब मैं क्या करूं इनका, आप लोग ये मुझे बता दो, क्योंकि कस्टमर केयर सुनता नहीं है। तो आप ही कुछ करो इनको, कुछ बायकॉट स्विगी विगी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ऐड देनी आती है इनको, क्वालिटी ऑफ सर्विस देनी बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, हमारे यहाँ तो स्विगी अभी तक आया ही नहीं है, तो यार पता नहीं चलता कि सर्विस कैसा है। अगर आप लोग स्विगी यूज करते हो तो आप लोग मुझे बताना कि स्विगी का सर्विस कैसा है। इससे पहले कि मैं आगे की न्यूज कवर करूं, मैं आप सब लोगों को एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, एंड मैं बात करने वाला हूं येलो ऐप के बारे में। येलो ऐप इंडिया की पहली मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल ऐप है, जो आपको बहुत कम समय में बेहतर और वेरीफाइड लोन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। आसान भाषा में इस ऐप के बारे में बताएं तो येलो ऐप आपको ऐसी वेरीफाइड कंपनीज के पास ले जाएगा जो आपको कम से कम इंटरेस्ट और डॉक्यूमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सके। सबसे अच्छी बात येलो ऐप में कि आप सारे कंपनीज को आपस में कंपेयर भी कर सकते हो। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपको कम समय में कम पैसों में फ्लाइट या होटल चाहिए, तो आप क्या करोगे, क्या आप सभी होटल को पर्सनली चेक करोगे? नहीं ना, आप मार्केट में सबसे ट्रस्टेबल ऐप या कंपनी में जाओगे जहां आपको सबसे अच्छे और सस्ती फ्लाइट या होटल मिलेगा। इसी तरह येलो ऐप भी काम करता है। जैसे आप प्ले स्टोर या गूगल पे जाएंगे एंड लोन के लिए सर्च करेंगे, वहां आप देखेंगे कि हजारों ऐप्स आ जाएगा, लेकिन क्या वो ट्रस्टेबल ऐप है, क्या वो वेरीफाइड ऐप है? हो सकता है कि वो ऐप फ्रॉड निकले एंड आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज कर दे, ऐसा हो भी सकता है, आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। तो इन्हीं सब इश्यूज की वजह से जो है येलो ऐप को बनाया गया, जिसने कंपनीज को वेरीफाइड किया और फिर अपने साथ जोड़ा और ख्याल रखा कि आपको बिना किसी परेशानी के कम समय में अच्छी लोन प्रोवाइड कर सके। तो येलो ऐप को आप जरूर इस्तेमाल करें, एंड जिसको इंस्टेंट लोन की बहुत ज्यादा जरूरत है उसे भी आप येलो ऐप के बारे में बताएं। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके येलो ऐप जरूर डाउनलोड करें। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूं टेक्निकल गुरुजी उर्फ गौरव चौधरी के बारे में। तो टेक्निकल गुरुजी को कल फीचर किया गया फोर्ब्स 30 अंडर 30 के मैगजीन में। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, एंड ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए टेक्निकल गुरुजी अपने इंस्टाग्राम में ये पिक शेयर किए थे, एंड नीचे कैप्शन में एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखे है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पोस्ट करके पढ़ सकते हो। सो या हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू टेक्निकल गुरुजी। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ रफ्तार के बारे में। तो यहाँ पर मुझे एक सब्सक्राइबर ने कल एक वीडियो भेजा जिसमें रफ्तार जो है स्टेज में परफॉर्म कर रहे थे, एंड एमिवे को भी वो डिस किए उसी टाइम। जी हाँ, स्टेज में ही रफ्तार एमिवे को डिस कर दिए। अब मुझे ये नहीं पता कि कितना पुराना वीडियो है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ज्यादा पुराना भी नहीं है, 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ते के बीच में ये हुआ है। तो आप भी देखिए रफ्तार का ये वीडियो। सारे बोलो राम राम, गलियों में गूंजो में डर मेरे नाम का, नाम मेरे काम का। चांदनी चौक में चले सीना ठोक के, दिल्ली वाला लौटा ऐसा कोई ना जो रोक दे सब फ्लोर पे। बंटाई मिला एक मुंबई में, नाम एमिवेश है, तूने सुना नहीं है, तूने सुना नहीं, तू असली से दूर, तुझे कूल दिखना है तो कसूर तेरा यही है। ना 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 ना, लिसन अप, आई वाज प्रेजिंग हिम, लिसन टू द लाइंस। बंटाई मिला एक मुंबई में, नाम एमिवेश है, तूने सुना नहीं है, तूने सुना नहीं, क्योंकि असली से दूर, तुझे कूल दिखना है तो कसूर तेरा यही है। बात समझ आई? स्पीड से मैं हीट लेके आया बीट पे, लेके बड़े गीत ही मैं आया बड़ी सीट पे। देखो बंटाई को भी जीत की उम्मीद है,
उसे कोई खींचा तो उसे तू घसीट में। अब मेरी चार लाइनें, जान दूं तभी जानू जान लेना मैं, थूक के ना चाटू मुझे इतना ही कहना है। सारे भाग रहे रावणा ठाक रहे, बीफ करूं ओवर रैप का शिवसेना में। सो आप लोगों का क्या कहना है इस पे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ कैरी मिनाटी के बारे में। तो यहाँ पर जो है कैरी मिनाटी थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए हैं। जी हाँ, एंड वो कुछ अजीबो गरीब स्टोरीज पोस्ट किए थे कल अपने इंस्टाग्राम में। एंड जितने भी स्टोरीज थे वो सारे स्टोरीज रिलेटेड थे उनके कैरियर से रिलेटेड। जी हाँ, वो जो अभी कर रहे हैं रोस्टिंग गेमिंग उसी से रिलेटेड था। तो पहले आप कैरी मिनाटी के स्टोरीज देखिए। तो गाइज एक समस्या चल रही है मेरे दिमाग में कुछ टाइम से, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में पता नहीं ऐसा क्यों चल रहा है अभी कि आई हैव नॉट डिस्कवर्ड माई ट्रू पैशन येट। तुम्हें पता है बहुत जल्दी सब कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया था, बहुत ही पहले ही अपनी एज में। तो मे बी अभी मेरे को उतना टाइम नहीं मिला है कि मैं अपना ट्रू पैशन डिस्कवर कर सकूँ, जो शायद मैं आगे जाके डिस्कवर करूँ। और फिर पता चल रहा आज से 3-4 साल बाद मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर शायद मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ जैसे बाकी चीज़ों को करता हूँ मैं, मे बी दैट इज़ द केस। कुछ भी हो सकता है आराम, मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ अभी। ऑब्वियसली आई लव वॉट आई डू राइट नाउ, मुझे बहुत पसंद है सारी चीज़ें, मेरी प्यार है वो ऑब्वियसली, और मैं चाहता हूँ उन्हें कंटिन्यू करना। बट मे बी शायद कुछ टाइम बाद मैं कुछ और ही रियलाइज़ कर जाऊँ, पता नहीं। आई नो बहुत अजीब बात कर रहा हूँ इस वक्त मैं, बट मेरे पता नहीं आजकल बहुत ऐसी चीज़ें चलती है दिमाग में, तो मैं और भी चीज़ें शेयर करूँगा तुमसे। जैसे कि वो बताएं जो मैं अभी कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो 3-4 साल बाद मैं वो ना करूँ। इसका मतलब तो यही निकल कर आता है कि अभी कैरमिनाटी जो है रोस्ट कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कैरमिनाटी जो है रोस्टिंग वगैरह छोड़ दे 3-4 साल बाद। या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो गाली वगैरह देते हैं रोस्ट करते वक्त या फिर गेम खेलते वक्त, वो चीज वो छोड़ दे। आप लोगों को क्या लगता है यार इसके बारे में मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ गौरव जोन के बारे में। तो गौरव जोन कल अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट किए थे, कुछ गिव अवे से रिलेटेड पोस्ट था ये, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो इसी पोस्ट के नीचे आकाश, आपको पता होगा आकाश जो गौरव जोन के साथ ही रहता है, वो कमेंट किया, सर मुझे जीतना है प्लीज, सर आपका फैन हूँ, सर आई लव यू, सर सर मैं आकाश का फैन हूँ सर प्लीज। तो यहाँ पर ये जो जीतने की बात कर रहा है वो बेसिकली गौरव जोन एक गिव अवे किया है उसी को जीतने की बात कर रहा है ये, एंड मजाक में कमेंट किया आकाश ये। तो इसी कमेंट का रिप्लाई गौरव जोन दिए, वो लिखे हाँ भाई बट एक्सपोज मत करियो। आपको पता है गौरव जोन के जितने भी दोस्त है सारे लोग ने एक्सपोज कर दिया गौरव जोन को, तो आकाश ही सिर्फ रह गए उनके दोस्त अभी, तो इसीलिए गौरव जोन ये कमेंट किए। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ सम्राट भाई के बारे में। तो सम्राट भाई कल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, 15 दिन का स्क्रिप्ट है, बहुत अलग होगा वीडियो, वेट फॉर इट, स्पेशल नहीं है, बस वो बोला है जो क्लियर करना जरूरी था, न्यू वीडियो जल्द। फिर नेक्स्ट स्टोरी में ये पोस्ट किए, हाँ एक्सपोज्ड कर दूंगा। तो हो सकता है कि सम्राट भाई किसी को एक्सपोज करे, या फिर हो सकता है कि ये मजाक में पोस्ट कर दिया हो। क्या लगता है आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ कृष्णा के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है मूवफंड ने जो है कृष्णा, कलमकार, रफ्तार ये सबको डिस कर दिया है अपने नए सॉन्ग दशहरा में। तो उसी का रिप्लाई कृष्णा फिर किए, वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए, ये रैप बीफ है या बिग बॉस, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। जैसे कि आप सबको पता है ये तगड़ा बीफ चल रहा है अभी हिप हॉप कम्युनिटी में इंडिया में। जिनको बीफ का मतलब समझ नहीं आता मैं बता दूं, बीफ का मतलब होता है कॉन्ट्रोवर्सी, ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी ही है, मैंने आसान शब्द में आपको समझा दिया। तो यार आपके हिसाब से ये जो डिस गेम चल रहा है अभी उसमें कौन ज्यादा भारी लग रहा है, मतलब किसका डिस्ट्रैक्ट एकदम खतरनाक लग रहा है आपको, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो यार आज के लिए बस इतना ही न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, एंड इसी तरह के YouTube कम्युनिटी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।